हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम तेजस्वी शर्मा, योर होस्ट। कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वन वेरी पिकुलर एक्ट, और बड़ा इम्पोर्टेंट एक्ट है। भले ही वो किसी टेस्ट में ना आता हो, लेकिन अगर रोजमर्रा की जिंदगी में देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है एडवोकेट्स के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्ट, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। फ्रेंड्स, 2019 में एक कंज्यूमर एक्ट, एमेंडेड एक्ट बना, जिसका नंबर है 35 ऑफ 2019, यानी 35 ऑफ 2019। इट वॉज एनेक्टेड ऑन डेटेड अगस्त 9, 2019। तो 9 अगस्त को ये बना। ओके, क्या है इसके प्रोविजंस और 2019 में क्यों बना, एमेंडमेंट अमेंडेड एक्ट इसे क्यों कहा गया? लेट्स गो फॉर द नॉलेज। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि सबसे पहले कंज्यूमर एक्ट जो है, ओरिजिनल एक्ट है, वो 1986 के अंदर बना है। दिस इज द बेसिक एक्ट, एंड नाउ certain provisions has been inserted in this original act in 2019. तो अब हम देखेंगे 1986 का जो एक्ट है वो अब पुरानी बात हो गई है, अब जो भी चलेगा वो चलेगा 2019 के एक्ट नंबर 35 के अनुसार। आई होप सो यू हैड गॉट थ्रू इट। नाउ अब नए एक्ट के बारे में समझते हैं। द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड बाई द पार्लियामेंट इन 2019, एज आई हैड अर्लियर टोल्ड यू, टू कम इन टू फोर्स इन जुलाई 2020। 9 अगस्त 2019 को यह बना, पार्लियामेंट ने इसे पास किया, और जुलाई 2020 में ये एनफोर्समेंट में आया। तो कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड यू मस्ट नो द बैकग्राउंड ऑफ दिस एंड रिप्लेस द कंज्यूमर एक्ट 1986। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या नई चीजें आई जो पुराने एक्ट में अंदर नहीं थी? 1986 के एक्ट को पुराना क्यों कहा गया और नई चीजों को जोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? अब ये है आज का हमारा विषय। तो देखते हैं, जिस्ट है इसकी, जो 2019 का एक्ट है, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें डाली गई हैं, इंसर्ट की गई हैं। कुछ चीजें पिछली हैं, कुछ नई चीजें डाली गई है एज पर द चेंजिंग सर्कमस्टांसिस इन द सोसाइटी, चेंजिंग सर्कमस्टांसिस ऑफ द बायर एंड परचेजर रिलेशंस, सर्विसेज प्रोवाइडिंग। ओके, तो देखते हैं क्या है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज द प्रैक्टिस ऑफ सेफ गार्डिंग, प्रैक्टिस ऑफ सेफ गार्डिंग बायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बायर यानी कि लेने वाला, खरीदने वाला, अवेल करने वाला, उसको सेफ गार्ड करने के लिए प्रैक्टिस है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बायर ऑफ गुड्स यानी कि सामान और सर्विसेज, कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से, किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी शॉप से, किसी भी तरह के जो प्रोडक्ट सेलिंग जगहें हैं उनसे कोई सामान लेता है या सर्विसेज लेता है, उसके अगेंस्ट अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है, यानी कि जो सेलर है या सर्विस प्रोवाइडर है वो इस बायर के खिलाफ कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करता है ना, कौन करता है अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द मार्केट बाय द सेलर, बेचने वाला, मैन्युफैक्चरर बनाने वाला, या फिर सर्विस प्रोवाइडर। ये तीनों लोग, सेलर, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर, अगर किसी भी सर्विसेज लेने वाले या किसी भी व्यक्ति को जो कि इनसे कोई चीज खरीदता है उस उनसे अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं ये लोग, तो उसके खिलाफ ये सेफ गार्ड है। कौन? कंज्यूमर एक्ट 2019। ओके, एंड टू प्रोवाइड रेमेडीज, और साथ साथ ये क्या देता है, बायर को इन लोगों से, सेलर, मैन्युफैक्चरर,
सर्विस प्रोवाइडर से जिन्होंने अनफेयर प्रैक्टिसेस करी हैं उनके खिलाफ रेमेडीज देता है और राइट देता है अपनी रेमेडीज लेने के लिए अगर उनके कोई राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं, किसके? बायर के। तो ये है क्लियर कट कंज्यूमर एक्ट 2019। ये पहले भी ऐसा था लेकिन अब यहां पर सेलर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर को थोड़ा वाइडर एंगल से ले लिया गया है। दे हैव बीन वाइडेंड। तो बड़ी क्लियर कट, कोई खरीदने वाला, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस लेने वाला, अगर उसका राइट्स वायलेट होते हैं तो वो अगेंस्ट पार्टी के खिलाफ अपनी रेमेडीज को ले सकता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मोर अपेरेंटली। सबसे पहले हमें देखना होगा कंज्यूमर एक्ट 2019, कंज्यूमर एक्ट 1986। इसके अंदर क्या कौन कौन व्यक्ति है जिसे कंज्यूमर माना जाएगा? हर परचेजर को, हर सेलर को कंज्यूमर एक्ट के अंदर नहीं लाया जाता, ना ही हर सर्विस प्रोवाइडर को लाया जाता है, बल्कि सिर्फ उसी व्यक्ति को कंज्यूमर कहा जाएगा जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर फॉल करता है। ओनली दोस, याद रखना, किसमें? सेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर। अब सेक्शन 2 क्लॉज 7 क्या कहता है कंज्यूमर एक्ट का, इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ द कंज्यूमर एक्ट 2019 डिफाइंस द कंज्यूमर। कंज्यूमर इज एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, या अकेला या उसके साथ जुड़े हुए कुछ साथी, बट होने चाहिए इंडिविजुअल, है ना, हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर ओन पर्पस, गुड्स फॉर ओन पर्पस, who purchase goods and services for their own personal use, अपने personal use के लिए जो भी व्यक्ति, individual या group of individuals purchase क्या करता है, या तो सामान खरीदता है या services purchase करता है, in exchange of consideration, पैसे के consideration के एवज में, यानी के जो भी goods ली गई ये सर्विसेज ली गई है उसके एवज में उसने उसका भुगतान किया है, तभी वो कंज्यूमर की परिभाषा के अंदर आता है। तो तीन चीजें आती हैं यहां पर। सबसे पहले तो इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए, सेकेंडली सर्विस या गुड्स परचेज की होनी चाहिए और वो पर्सनल यूज के लिए होनी चाहिए, और इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन मीन्स उसके एवज में पैसे दिए होने चाहिए, तभी वो व्यक्ति कंज्यूमर कहलाएगा। अदरवाइज ऑल ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट कवरिंग अंडर दीज थ्री पैरामीटर्स एनी पर्सन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्या, कंज्यूमर। ओके, अब यहां पर जो भी ये पर्सनल यूज की बात आती है तो पर्सनल यूज का मतलब है कंजम्पशन, कंजम्पशन की है उसने, ये सामान अपने अपने खाने पीने के लिए खरीदा है, या सर्विसेज अपने घर की जो हमारी सुविधाएं उनको ठीक करने के लिए, या किसी भी तरह से अपने यूज के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और रीसेल। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने सामान रॉ मटेरियल खरीदा और उससे कुछ मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, दैट इज नॉट कवर्ड अंडर कंज्यूमर। कोई सामान हम कहीं से ले रहे हैं, जैसे हमने गेहूं ले ली, गेहूं परचेज करी, अब उसका आटा बनाकर हम सर्विसेज देने शुरू कर दिए, वो व्यक्ति जो परचेज करके मैन्युफैक्चरिंग करता है उसको प्रोफेशनली, उसको अपने बिजनेस के लिए यूज करता है, दैट पर्सन विल नॉट बी काउंटेड एज कंज्यूमर। और रीसेल, कोई सामान खरीद रहा है उसको आगे फिर बेच रहा है, वो भी कंज्यूमर के अंदर नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ कि एक मैन्युफैक्चर से एक सेलर ने कोई चीज खरीदी और उसने आगे उसको लोगों को देने के लिए दुकान सजा दी, वो सेलर जो है, वो सेलर जिसने मैन्युफैक्चर से खरीदा वो कंज्यूमर नहीं होगा, अलबत्ता जिस व्यक्ति ने सेलर से आगे ली अपने पर्सनल यूज के लिए ली वो कंज्यूमर के अंदर आएगा, वो सेलर के खिलाफ रेमेडी ले सकता है, मैन्युफैक्चर के खिलाफ ले सकता है, लेकिन जो बीच का पार्ट है, जो अपना प्रोफेशनल बिजनेस चला रहा है, उसको इसमें कंसिडर नहीं किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स।
दैट्स इट। ये है हमारा कंज्यूमर। यही पुराना भी था लेकिन नया भी थोड़ा सा अमेंड करके उसको कुछ चीजें ऐड की गई हैं। अब क्या चीजें ऐड की गई हैं इसके अंदर 2019 के अंदर देखते हैं। बायज एनी गुड्स एंड हायर्स एंड अवेल्स एनी सर्विसेज आल्सो इंक्लूड। अब यहां ऐड किया गया 1986 और 2019 के अमेंडेड एक्ट के अंदर क्या ऐड किया गया? ऐड किया गया कि अब जो बाइंग और सेलिंग का जो फंडा ऊपर हमने देखा राइट कंज्यूमर का, अब इसके अंदर ऑनलाइन ऑल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड थ्रू। अब पहले क्या था, हम सामान लेते थे ऑनलाइन मंगवा लिया, कोई गलती हो गया, कोई डिफेक्ट हो गया, कोई सामान ही नहीं आया, वी कुड नॉट गो एनीवेयर, कंप्लेंट ही होती थी उसकी, फिर उसका भी कोई अर्थ नहीं था। लेकिन अब इस एक्ट को अमेंड करने का 2019 का क्या मकसद था? ओनली ड्यू टू रीजन, क्योंकि आज का सिनेरियो जो है अपने देश का वो क्या हो गया है, सारा ऑनलाइन के ऊपर चला गया। हम हर चीज ऑनलाइन खरीद रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आर परचेज्ड ऑनलाइन। तो अब उन ऑनलाइन के ऊपर लगाम खींचने के लिए, उनके ऊपर लगाम कसने के लिए ये एक्ट में अमेंडमेंट करनी पड़ी ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टांसिस एंड द बिजनेस स्टाइल। इस पर्पज के लिए 2019 का जो एक्ट है उसमें इंक्लूड कर दिया गया है अब ऑल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। कैसे, किस तरह की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन? देट आर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आपने कोई ट्रांजेक्शन करी है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से क्या ट्रांजेक्शन हो सकती है? जैसे हमने गूगल पे से कुछ भेजा, वहां से कुछ सामान आना था, कोई हमने यूपीआई यूज करा, सामान नहीं आया, तो वो भी हमारे कंज्यूमर की बात आती है, पैसे कंसिडरेशन दी ना हमने, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के ऊपर कोई भी चीज है। कोई बिजनेस हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आदान प्रदान से होता है, पर बिजनेस है मैंने शब्द जो बोला इसको काट दीजिए दिमाग से, बिजनेस का वर्ड ही नहीं है यहां पर। ये मैंने जानबूझ के इस चीज को बोला था ताकि आपको ये एकदम से स्टिक करे आपके माइंड में, पिन करे कि बिजनेस क्यों बोला सर। नो बिजनेस, कोई भी बिजनेस इसके अंदर नहीं आएगा जब तक कि वो पर्सनल यूज के लिए एज ए कंज्यूमर 2 clause 7 के अंदर फॉल नहीं करता। तो याद रखना इस चीज को। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग कहां से, मैन्युफैक्चर Amazon, Flipkart, ये सारा वहां से आ रहा है। टेलीस्कोपी, ये सेम चीज है ना, हम टीवी के ऊपर ऐड देखते हैं, किसी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के ऊपर ऐड देखते हैं, टेलीस्कोपी के ऊपर फ्री मोबाइल नंबर है, कर दिया कॉल, वहां से आपको सामान आना है, दैट इज फ्री टेलीस्कोपी। एंड और मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग इट इज ऑल्सो ई कॉमर्स, ये सारे ई कॉमर्स के मैटर्स हैं। जो भी ट्रांजेक्शन अब बेसिक क्राइटेरिया यानी के आमने सामने फिजिकली सेल परचेज सर्विस प्रोवाइडिंग के अलावा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्विस प्रोवाइडर जो 1986 में लिखा गया था वो खत्म हो गया, नो, इंक्लूडेड किया गया है अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम भी, ऑनलाइन सर्विसेज भी इसमें ऐड कर दी गई है। नाउ यू कैन फाइल एनी सूट अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज डीलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक दिस ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स के माध्यम से जो भी सामान आएगा दैट विल ऑल्सो फॉल अंडर कंज्यूमर एक्ट। नाउ लेट्स, नीड पर क्यों नीड पड़ी इस चीज की? एज आई अर्लियर टोल्ड इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर कि अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ गए हैं, सेल परचेज का तरीका बदल गया, सर्विसेज का तरीका बदल गया है, तो उस पर्पज को कैसे फुलफिल करता है एक्ट नंबर 35 ऑफ 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लेट्स गो। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाज एनएक्टेड बाय द इंडियन लेजिस्लेचर टू डील विद मैटर्स। कौन कौन से मैटर्स को डील करने के लिए ये अमेंड किया गया है? नंबर वन, वायलेशन ऑफ कंज्यूमर्स राइट्स। क्योंकि इस एक्ट का बेसिक असेंस ही फ्रेंड्स इसलिए है टू सेफगार्ड द कंज्यूमर्स, टू सेफगार्ड द कंज्यूमर्स। बस बेसिक कंसेप्ट इसके पीछे यही है कि कंज्यूमर्स के राइट्स को सेफगार्ड करना है।
सेलर मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर को बिल्कुल नहीं, उनके खिलाफ वायलेशन में एक्शन करना है। दे आर नॉट कवर्ड। क्यों नहीं कवर्ड होते बताइए, व्हाई? क्योंकि 2 clause 7 के अंदर स्पेसिफिकली लिखा है कि जो पर्सनल यूज कंजम्पशन के लिए कोई भी गुड्स या सर्विसेज ले रहा है, ना तो मैन्युफैक्चरर, ना तो सेलर, ना ही सर्विस प्रोवाइडर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, बिजनेस कर रहा है, तो वो लोग बाहर हैं, उनको इसमें नहीं लेना। दे आर अपोजिट पार्टीज जिनके खिलाफ एक्शन लेना है। तो यहां पहला काम है वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर के जो राइट हैं उनकी वायलेशन को बचाने के लिए कंज्यूमर एक्ट के अंदर ये डाला गया है। नंबर वन इसका प्रोविजन ये है, पर्पज है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो भी व्यक्ति ट्रेड प्रैक्टिसेस के रूल्स को वायलेट करके अनट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, अनफेयर प्रैक्टिसेस करता है, यानी कि जो रूल बने हैं सेलिंग सर्विस प्रोवाइडिंग के, जो नियम बने हैं उनके खिलाफ जाकर कोई भी कंज्यूमर के खिलाफ कोई काम करता है, एवरी टाइम इट विल बी सीन अगेंस्ट कंज्यूमर। एवरी टाइम आपको कंज्यूमर याद रखना है, 2 clause 7 के अंदर कंज्यूमर, बस उसके खिलाफ कोई अनट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, इसके लिए ये सेफ गार्ड देता है 2019 का। पहले 1986 का देता था, अब हमें कंज्यूमर एक्ट 2019 को याद रखना है। थर्ड, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, ये ऐड हुआ है एक्स्ट्रा, पहले नहीं होता था ये, क्योंकि ऑनलाइन सर्विसेज का कंज्यूमर में कोई प्रोविजन नहीं था। जैसे ही 2019 का एक्ट आया, ऑनलाइन अभी पढ़ा हमने, सब कुछ उसके अंदर आ गया। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे प्रिंट मीडिया में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चाहे अपने सोशल मीडिया में, टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक, कहीं भी कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट प्रोड्यूस करता है और इंड्यूस करता है किसी भी कंज्यूमर को कोई सामान लेने के लिए या सर्विसेज लेने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो डेल्ट अंडर दिस। नॉट फॉर एडवर्टाइजमेंट्स बट ओनली फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर आपको लगता है कि ये मिसलीडिंग थी, बोला कुछ और था, वहां कुछ और निकल रहा है, और हमारे को एलोर किया गया कि आप आइए आप आइए, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन नहीं निकली, लो भैया कंज्यूमर एक्ट अवेलेबल है आप सबके लिए। ओके तो तीन हो गई। चौथी, एंड ऑल दो सर्कमस्टांसिस विच आर प्रीजुडिशियल टू द कंज्यूमर्स राइट। इसके अलावा, किसके अलावा? नंबर वन वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, सेकंड अनट्रेड प्रैक्टिस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, एंड थर्ड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। ये तो है ही है, इसके अलावा भी कोई और ऐसा एक्ट, कोई भी और सर्कमस्टांसिस जो कि कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रिजुडिस करते हो, उनके खिलाफ जाते हो, जो उनके राइट्स हैं उनको हिट करते हो, कोई भी और ऐसी कंडीशन जो कि प्रिवेलिंग कंडीशन है, तो 3 + 1 = 4, ये 4 कंडीशंस है जिनके अंदर इसमें सेफ गार्ड दिया गया है। दिस 2019 एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, राइट? तो इसके अंदर ये सब चीजें मिलेंगी आपको। यहां से हमें बेयर आइडिया हो गया कि आगे क्या आएगा आप कंज्यूमर एक्ट के अंदर। तो चलते हैं अब आगे। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन have considerably increased during the last few years. Friends, you know, जैसा हम पहले डील कर चुके हैं, अब इसके अंदर मुझे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। Therefore, the intention of the parliament behind enacting the act was to include provisions for e-commerce या e-consumers, ठीक है? Commerce के अंदर ही आता है ये सारी चीजें, तो इसको e-consumers याद रखना है। अब आपने पहले कंज्यूमर थे, अब ई कंज्यूमर का मतलब है जब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हमने गुड्स को सेल परचेज करना देखा और सर्विसेज लेना शुरू करा, तो इट इज ई कंज्यूमर। तो इसका बेसिक 2019 का इंट्रोडक्शन का मेन कारण था कि जो ये ऑनलाइन सर्विसेज ई कंज्यूमर जब शुरू हुआ है, तो इसके अंदर आने वाली डिफिकल्टीज को हम कैसे दूर करें। तो लीजिए, कैसे दूर करते हैं आप?
टू प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। अब इसके अंदर चाहे वो प्रैक्टिकल है, चाहे फिजिकल है, चाहे ई कंज्यूमर के अंदर कोई भी चीज का आदान प्रदान हो रहा है, राइट्स और इंटरेस्ट किसके, कंज्यूमर्स के, उनको बेटर कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ये एक्ट कहता है। इसके अंदर प्रोवाइडेड है, अब काफी मेहनत मुशक्कत के साथ इसे बनाया गया है। एक्ट प्रोवाइड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। पहले कुछ नहीं था। 1986 के कंज्यूमर एक्ट के अंदर क्या था, सिंपल सिंपल कमीशंस थे, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन, लेकिन उनको भी हम रिड्रेसल फोरम कहते थे, नेशनल फोरम, स्टेट फोरम एंड थर्ड डिस्ट्रिक्ट फोरम कंज्यूमर, है ना। लेकिन अब यहां तीन पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया गया है। देयर आर थ्री अथॉरिटीज। सबसे पहली जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। ये नेशनल वाइड है, नेशनल वाइड ये क्या करती है, एक्ट प्रोवाइड्स एस्टेब्लिशिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स टू सेटल डिस्प्यूट्स इन केस एनी डिस्प्यूट अराइजेस एंड टू प्रोवाइड एडिक्वेट कंपनसेशन टू द कंज्यूमर इन केस देयर राइट्स हैव बीन इंफ्रिंज्ड। अब यहां पर फ्रेंड्स क्या है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्थापित किया है कंज्यूमर एक्ट के अंदर 2019 में। इसमें जितने भी डिस्प्यूट कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर या गुड प्रोवाइडर के बीच में होते हैं, पहले आप यहां जा सकते हैं, इसके अंदर अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन ये जो काउंसिल्स हैं, ये भी तीन तरह से हैं, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की, तीनों जगह पर ये स्थापित होती हैं। अपने डिस्प्यूट को आप ले जा सकते हैं यहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल लेबर एक्ट के अंदर कोई काम होता है, कोई मजदूरों के बीच में, कंपनी के बीच में, फैक्ट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो सबसे पहले कहां जाता है, लेबर इंस्पेक्टर के पास जाता है कि सर ये मेरी दिक्कत है। वो इसको डिस्प्यूट को रिजोल्व करने की मतलब कोशिश करेंगे, और अगर नहीं होती है फिर अगला स्टेप है, फिर लेबर कोर्ट्स के अंदर जाता है। इसी तरह से सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के पास जाइए, डिस्ट्रिक्ट में भी है, स्टेट में भी है और नेशनल लेवल पे भी है, तो वहां पर अपने डिस्प्यूट को सेटल किया जा सकता है और एडिक्वेट कंपनसेशन लिया जा सकता है। फर्स्ट किस लिए,